हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज संडे है तो कोई उठा ही नहीं है अभी तक। 8 बज रहे हैं, मैं उठ गई थी 6:45 बजे और माई को ले आई। मैं अभी माई उठ जाती है, मैं बस इसको ऐसे ही छोड़ के आ गई थी। एक थोड़ी देर ऐसे ही मेरे को काम कर लूँगी, इतने थोड़ा बहुत काम तो क्या नुआएगी, बट अपने लिए इसकी रिपल बॉइल करनी होती है, बर्तन साफ़ करने होते हैं और भी जो बेडशीट वेडशीट छाननी होती है। बट मैं नीचे गई तो ये उठी हुई थी बिल्कुल और चुपचाप खेल रही थी और अब मेरी बातें सुन के हंस रही है। क्यों हंस रहे हो आप क्यों उठ जाते हो इतनी जल्दी, आप क्यों उठ जाते हो? और वो इंशु और एमी आराम से ऐसे जैसे अभी कोई उठने का मतलब प्लान भी नहीं है। मेरी माई जल्दी उठ जाती है, मेरा माई जल्दी उठ जाता है ये बच्चा। तो अभी मैंने अपनी ड्रिंक ली है जो मैं सुबह सुबह लेती, क्या हो रहा है, जो मैं सुबह सुबह लेती हूँ। एक मिनट, तो पता नहीं बीच बीच में इसके क्या हो जाता है, कैमरे की खैर क्वालिटी अच्छी है इसकी बट बीच बीच में पता नहीं क्यों ब्लर हो जाता है। तो अभी मैंने अपनी ड्रिंक ली है जो मैं मॉर्निंग में लेती हूँ। काफ़ी हद तक तबीयत ठीक है महर की अभी, और अभी मैं उसका वेट कर रही हूँ, अनु का आ जाए काम कर जाए तो काम ख़त्म हो, उसके आने के बाद से ही काम, क्योंकि वो वॉशरूम साफ़ नहीं करती। एक तो उसका ये इनका रूल है, ये बताती है, तो उसके जाने के बाद ही मतलब जब झाड़ू पोछा कर लेगी तभी मैं वॉशरूम साफ़ करूँगी, तो और सब उठ जाएंगे तभी कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह बनाऊँगी तो भी उठ जाते हैं। इतने में खाली बैठी हूँ मैं माई के साथ, तो सोच रही हूँ उसकी मालिश करके इसको नहला देती हूँ, इतने काम खत्म हो जाएगा। तो चलते हैं इसके साथ थोड़ी देर मस्ती करते हैं एंड फिर और मौसम दिखाते वक्त अच्छा है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, बारिश आने वाली भी है नहीं लग रही, मतलब ठीक है पर अच्छा मौसम है, ठंडा ठंडा। अब ऐसे ठंड होने स्टार्ट हो जाते हैं ऐसे बोलते हैं जन्माष्टमी के बाद, ऐसे कंटिन्यू मेरी बातें सुन रही है, कंटिन्यू ये लड़की कंटिन्यू मेरी बातें सुन रही है। एक मिनट, अब क्या बातें सुन रहे हो, आपको समझ आती है, आपको समझ आती है कुछ, आपको कुछ समझ आता है, नहीं आता कुछ भी समझ में, हाँ अब बोलो ना। बोलो, हाँ मालिश कर दी है, माई को लेटा दिया है, सूरज थोड़ा ठंड, थोड़ी ठंड सी है मुझे लग रही है, हाँ ऐसे खाने लग गया अब ये, जल्दी नहा लिया है। गाइस माई को नहला दिया, इंशु को नहला दिया और ऑलमोस्ट दो दो गर्म गर्म कर दिया, सजू करना था मेरा रह रहा है मतलब गर्म तो कर लिया पीना। और मैं लग रही हूँ आज का, मैं आज बना रही हूँ मेथी प्याज और लहसुन वाली रोटी या पराठे जो भी है, उत्तम देख लो। अब नहाई हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ सच में, और ये पिंपल ठीक ही नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है। और मैंने ये कुर्ता पहना, मैं पहले क्या है बहाने लग गए थोड़े थोड़े, और कभी तो कपड़े तय करने और बाहर भी पड़े हैं बहुत सारे, और माई तो तब से उधर ही है, सही है उधर है, मैं फटाफट काम कर लेती हूँ, कपड़े तय कर लेती हूँ मतलब के। तो गाइस आ गए नीचे खाना खा के,
और माई को भी अभी लेके आई हूँ, सुबह से उधर ही थी, सो रही थी और मुश्किल से जगाया है दूध पिलाने के लिए। 9 बजे दूध पिया था तो अभी पिलाया है। पता नहीं शायद कल के इंजेक्शन की वजह से ज़्यादा सो रही है, वरना इतना सोती नहीं है, उठ जाती है 2 घंटा सोती है बस, तो आज तो ये सोई है। हेलो, सो अभी अगर ये सोती है तो सो जाऊंगी, नहीं तो लोग एडिट करूंगी कल वाला। गाइस मिलते हैं शाम को। तो गाइस उठ के ऊपर आके पी रहे चाय, मेरी बैठी ये लड़ी, कभी ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन इसके लगे ना। दिखा आज कहाँ लगी है, जिप दिखाइए बेटा, और साइड कर इस साइड। अभी तो देखो ये कम लग रही है, लेकिन ना इस पर बहुत खून आ रहा था तो पैर में, और फिर जोर आके सोई है। मैं काट रही हूँ पालक, फिर बनाऊंगी खाटे का साग, बाजरे की रोटी, चाय भी लेती पहले। और अच्छा हो रहा है, बारिश आने वाली हो रही है। और गाइस हालत देख रहे हो मेरी, पसीना और हाथ देखो मेरा, शायद ऐसे नहीं दिख रहा उससे दिखा। अरे फोकस भाई, देखो ब्लड हो गया ऐसे, चला चला के रोटी बना रहा है।